नमस्कार, मैं भारती झा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सातवें रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। देश में 20 से भी ज्यादा राज्यों में 44 जगहों पर इसका आयोजन किया गया। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। पीएम मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं से कहा कि 1947 में आज ही के दिन संविधान सभा में तिरंगे की डिजाइन को फाइनल किया गया था। आज के दिन आपको नौकरी मिलना प्रेरणादायक बात है। सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको हमेशा यह कोशिश करनी है कि तिरंगे की आन बान शान में कोई भी आंच ना आए। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के बैंकिंग सेक्टर पे भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में फोन बैंकिंग घोटाला हुआ था, जिससे बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई थी। 2014 में हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को फिर खड़ा करने की कोशिश शुरू की है और आज भारत का बैंकिंग सिस्टम दुनिया के सबसे मजबूत सिस्टम में से गिना जाता है। 8 महीने में 4,33,000 लोगों को मिला ज्वाइनिंग लेटर। 22 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले का पहला फेज शुरू किया था। तब पीएम ने कहा था, हमारा लक्ष्य देश के युवाओं को 2023 के अंत तक 10 लाख सरकारी नौकरियां देना है। पीएम ने पिछले 8 महीने में 6 रोजगार मेलों में 4,33,000 से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं। पीएम बोले, पिछली सरकार ने बैंकिंग सेक्टर को बर्बाद किया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत उन देशों में शामिल है जहां बैंकिंग इंडस्ट्री सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन 9 साल पहले ऐसे हालात नहीं थे। पिछली सरकार के दौरान हमारी बैंकिंग क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर विनाश देखा है। आज हम डिजिटल लेन देन करने में सक्षम है, लेकिन 9 साल पहले जो सरकार थी उस दौरान फोन बैंकिंग 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग एक खास परिवार के करीबी थे वह बैंकों को फोन करते थे और उन्हें हजारों करोड़ रुपए के लोन मिल जाते थे। यह लोन कभी चुकाए नहीं जाते थे, इनकी भरपाई के लिए और लोन दिए जाते थे। यह फोन बैंकिंग घोटाला पिछली सरकार के दौरान हुए सबसे बड़े घोटालों में से एक था। पीएम ने कहा कि इस घोटाले की वजह से बैंकिंग सेक्टर की कमर टूट गई है। 2014 में हमने अपनी बैंकिंग क्षेत्र को पुनर्जीवित किया है। हमने देश में सरकारी बैंकों को प्रबंधन में से मजबूत किया है। हमने कई छोटे बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाए हैं। सरकार ने दिव्य लापन संहिता कानून इसलिए बनाया ताकि अगर कोई बैंक बंद हो तो उसे कम से कम नुकसान हो। तो आपको क्या लगता है, पीएम मोदी नियुक्ति पत्र दे के सच में हमारे देश का भला चाहते हैं या ये कोई योजना है लोकसभा चुनाव के लिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।